बरगढ़ जिला पद्मपुर निर्वाचन मंडली आसंता डिसेंबर 5 तारीख में हेब उपनिर्वाचन एथिपाई निर्वाचन को सुरखुरी में परिचालना करने सरकारी स्तर और निर्वाचन में विजय लाभ करने राजनैतिक स्तर में जोरदार प्रयास आरंभ हो क्रम आज पाइकमाल स्थित सालेपाली ग्राम से विजु जनता दल कार्यालय दल पक्ष पाइकमाल ब्लॉक कर्मी मानकु नै एक विराट कार्यकर्ता सम्मेलन अनुष्ठित हो जाएछि। पूर्वतन मंत्री श्री देवी प्रसाद मिश्रंक अध्यक्षतारे अनुष्ठित एहि बैठक में विजु महिला जनता दल राज्य सभापति श्रीमती स्नेहांगिनी छुरिया दलर पाइकमाल दायित्व थिबा स्वास्थ्य मंत्री तथा झारसुगुड़ा विधायक नवकिशोर दास मंत्री अतनु सव्यसाची नायक उद्यमान युव नेत्री दीपाली दास विजु जनता दल पाइकमाल ब्लॉक सभापति राजेन्द्र राउत पाइकमाल ब्लॉक अध्यक्ष भावना सिंह जिला परिषद सभ्य बासंती बामल प्रमुख मंचासीन रही थे। आगामी उपनिर्वाचन में दल पर कठोर परिश्रम करने सहित विरोधी मानक सबू मिथ्या प्रतिश्रुति और भाषणबाजी विषय जनसाधारण मानक अवगत करवाक अतिथिगण कर्मी मानक अनुरोध करते स्थानीय बीजेपी नेता और राज्य कृषक मोर्चा सभापति विगत किसी दिन धरी भाषण केवल भाषण अटे एथिरे कौनसी सत्यता नहीं से मध्य विगत दिन में 5 वर्ष विधायक थे पदमपुर किसी भी अवदान नहीं। मंत्री श्री नवकिशोर दास मंत्री श्री अतनु सव्यसाची नायक श्रीमती स्नेहांगिनी छुरिया श्री देवी मिश्र दीपाली दास प्रमुख विभिन्न पंचायत आसी कर्मी और नेता सहित स्वतंत्र भाव में आलोचना करते देखु जो प्रकार रे मान्यवर मुख्यमंत्री को जो काम रही जो वार्ता रही समस्त ओडिशावासी जानते ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन रे आम जो बहुमूल्य भोट जीति तार कारण आमर मान्यवर मुख्यमंत्री कर्म से ही प्रकार आम यही पदमपुर उपनिर्वाचन मोर दृढ़ विश्वास रही बहुत भोट्रे आम आगक जितबू से जो भी जो कैंडिडेट मान्यवर मुख्यमंत्री देवे नहीं कि आम मान्यवर मुख्यमंत्री कर्म को नहीं कि वार्ता को नहीं कि बहुत आगक लोक मैंने आज निष्पत्ति नौकर विभिन्न पंचायत जे जहाँ को नवीन बाबू प्रार्थी करेंगे पदमपुर मानस नायक रिपोर्ट G99 न्यूज। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दिया।